गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बहुत अच्छी हूँ। और अभी के बजे है 5। अभी मैं और पापा जा रहे हैं खेत में कुछ काम के लिए। पापा का वो पूरा जंगल जंगल हो गया है ना, पापा उसको सफा करेगा और मैं कुछ सब्जियाँ वगैरह तोड़ के लाऊँगी। पापा के साथ में जा रही हूँ। अभी हम लोग का वो साइड वाला बहुत ज़्यादा जंगल हो गया ना, इसलिए वो पापा उसको साफ करने के लिए जाएगा। और सुबह सुबह में ना बहुत ज़रा कद्दू के फूल, बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ना कद्दू का फूल बहुत ज़्यादा लगता है ना, और मैं वो तोड़ के लाऊंगी क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है वो सब्जी। इसलिए मैं जा रही हूँ पापा के साथ। ये बड़ा सता होगी, मैं एक लिया, पापा ने एक लिया है। अभी चलते हैं सीधा। अभी पहुँचे हैं हम लोग आधा रास्ता में, क्योंकि यहाँ हमें छोड़ के जाना पड़ेगा हम लोग को स्कूटी, क्योंकि यहाँ में बहुत ज़रा पम्पकिन का खेत किया है ना, नहीं जा सकता है। बहुत ज़रा पम्पकिन का खेत किया है ना, बहुत सुंदर सुंदर हुआ है एक्चुअली ना। मैं पापा के साथ और सब्जी ढूंढने इसलिए आया था, मुझे पम्पकिन का फ्लावर भी लेके जाना था, और उसके बाद क्या क्या उसके बाद मुझे बेम्बू शॉट भी लेके जाना था यहाँ से, क्योंकि मुझे बेम्बू टेंगा बनाना था। इसलिए बहुत दिन से आएगा सोच रहा था बेम्बू सूट लेने के लिए, और उसके बेम्बू टेंगा बनाने अकेले आने का मन नहीं करता है। आज सुबह में प्लान बनाना था अकेले जाऊंगा बोल के, और पापा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, बोला है हम भी बोला है खेती में जा रहे हो, उसके में भी हम भी जाएगा बोला है वो, क्योंकि हम लोग ने यहाँ में बेतलनाथ लगाया था ना, वो बेतलनाथ पूरा जंगल जंगल हो गया, इसलिए वो उसको सफा करने के लिए आया है पापा। सकते हो आप लोग, ये बहुत ज़्यादा जंगल हो गया हम लोग का, ये साफ करने के लिए आया है पापा। ये देखो साफ कर रहा है पूरा, बहुत ज़्यादा जंगल हो गया क्योंकि बारिश पूरा लगातार दे रहा है। देखो कितना सुंदर से लगा है पम्पकिन का फ्लावर। अभी मैं यहाँ से तोड़ के लेके जाऊँगी, यहाँ में भी है, यहाँ में भी है। तोड़ लिया एक तो, रहे हैं बेम्बू शूट, और यहाँ में एक तो पकड़ा हुआ हूँ, हाँ गर्म लग रहा है, और यहाँ में है पम्पकिन का फ्लावर। अभी चलते हैं सीधा घर पे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सब्जी ढूंढ के भी हो चुका हम लोग का, अभी जा रहे हैं। मैंने यहाँ में लिया है फ्लावर, पम्पकिन का फ्लावर। मैं घर भी पहुंच चुका हूं, अभी नहीं नहाऊंगी, थोड़ा बाद में नहाऊंगी। पहले मैं पम्पकिन का फ्लावर जो लाया था ना तोड़ के, पहले उसको सफ़ा कर लूँगी, उसके सफ़ा करने के बाद मैं नहाऊंगी, और नहाने के बाद थोड़ा खाना खाऊंगी, रेस्ट करूँगी, उसके बाद बनाऊंगी मैं बेम्बू सूट का टेंगा बनाऊँगी, और आप लोग को भी दिखाऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ। अभी पटापट से मैं वो पम्पकिन का फ्लावर को सफ कर लेती हूँ। अभी मैं बनाऊंगी पम्पकिन का फ्लावर। ये देखो मैंने सफा करके रखा है, उसके नहा के अभी मैं बनाऊंगी इसको। ये देखो पूरा फ्रेश फ्रेश लग रहा है ना, फ्रेश फ्रेश खाने में ही मज़ा लगता है। इसमें
खाना खा के भी हो चुका है, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया है मैंने। अभी मैं बिम्बू सूत को सफा करूँगी, उसके बाद मैं तेंगा बनाऊंगी। यहाँ मैं पूरा मोटा मोटा वाला बेम्बू शूट, अभी इसको सफा करना पड़ेगा पहले। सफा भी कर लिया और मैंने धुला भी लिया, ये देख सकते हैं आप लोग। अभी इसको सिर्फ पतला पतला करना पड़ेगा, उसके बाद पतला पतला भी कर लिया है। अभी मैं इससे थोड़ा और पतला पतला छोटा छोटा करूंगी, इससे मार मार के। अभी मेरा हो गया है, ये देख सकते हो। अभी मैं डालूंगी सीधा, यहाँ मैं इसका अंदर में डालूंगी, उसके बाद ये ढक्कन को ढक के रखूंगी, उसके बाद हो जाएगा। बहुत दिन के बाद रखूंगी, उसके बाद तब जाके ये पूरा खट्टा खट्टा हो जाएगा, पूरा टेंगा टेंगा हो जाएगा। ये देख सकते हो आप लोग, पूरा मजा से किया है, पूरा छोटा छोटा वाला छोटा छोटा कर दिया मैंने, ये देख सकते हो। हो गया बंद कर दे दी पूरा, अभी इसको बंद करके रखूंगी, उसके बाद खट्टा हो जाएगा तब निकालूंगी मैं इसको। देख सकते पूरा रेडी हो गया, टेंगा बना के भी हो चुका है। अभी मैं जा रही हूँ गुनानगर पे, क्योंकि मुझे कुछ काम है गुनानगर पे, कुछ काम सामान लेना था, इसलिए मैं जा रही हूँ अभी गुनानगर पे, अकेले जा रही हूँ आज। तू हो जाएगा मेरे साथ, हाँ तो मेरे साथ जाने के लिए रेडी हो गया ना? चलो चलो मेरा तुत्तू बच्चा, चलो मेरे साथ बैठो, यहाँ में बैठो। मैं यहाँ में रुका हुआ हूँ क्योंकि मम्मी मेलोना का मम्मी कुछ सामान ला देने के लिए बोल रहा है, वो पैसा ला रहा है घर से, इसलिए थोड़ा यहाँ में रुका हुआ हूँ पैसे के लिए। अभी सुपरमार्केट पे, यहाँ से कुछ दुकान पे कुछ सामान लेना था, अभी पहले सामान लेती हूँ उस दुकान से। तो फाइनली मैं घर पहुंच गया हूँ, तो बहुत ज़्यादा रात हो चुका है, मैं आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि मैं रात किस लिए हुआ हूँ। मैंने मेलोना का मम्मी ने जो सामान हमको लाने के लिए बोला था ना, हम भूल गया था उसको लाने के लिए पूरा पे, और हम गांव का रास्ता तक पहुँच गया, हमको पतक से याद आया कि मम्मी ने कुछ सामान हमको लाने के लिए बोला था बोल के, फिर वापस चला गया, इसलिए थोड़ा रात हो चुका हमें। तो आज के लिए इतना, ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर से कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।